See, बेटे, we have started chemical property yesterday. Okay? We have started with the substitution reaction. In the substitution, the first section you have studied halogenation. Got it? What are the important questions from the halogenation? ठीक? Chlorine, bromine, fluorine and iodine. पहले तो इसकी reactivity order आपको पता होना चाहिए. That is fluorine, chlorine, bromine and iodine. This reactivity order you should know. Then you should know that iodine का जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या निकलता है HI. ठीक है, क्या निकलता है HI. फिर रिमेम्बर मैंने कल करवाया था मीथेन प्लस क्लोरीन सॉरी आयोडीन विल गिव यू मिथाइल आयोडाइड and HI. This you will be getting. Now this HI is a strong reducing agent. This HI is a strong reducing agent, remember. ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है why oxidizing agent is used in iodination. Why oxidizing agent is used in iodination of alkanes. So you should know that because the reaction is reversible, as HI is a strong reducing agent. HI is strong reducing agent. ये HI क्या करता है? दोबारा से हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है. समझ आ रही है? तो ये रिएक्शन हम किसमें करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में. किसमें करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग क्या करते हैं? जैसे कि एच आई है, हमने आयोडिक एसिड लिया है, तो ये हमें आयोडीन दे देगा. अगर यही आयोडीन दे देगा तो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी. समझ आ रही है? देखो, डायरेक्ट क्लोरीनेशन कर लोगे, डायरेक्ट ब्रोमिनेशन भी कर लोगे. अगर ब्रोमिनेशन थोड़ी स्लो होगी क्लोरीनेशन से, आयोडिनेशन करने के वक्त आप क्या यूज करोगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. रिमेम्बर क्यों? क्योंकि जो एच आई निकलता है बेटे, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. वो दोबारा से क्लीव होके वापिस से हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देता है. जब वापिस से हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देता है तो आपको मिथेन मिल जाती है. बचाना है, अगर रिएक्शन रिवर्स होगी तो प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? समझ आ रही है? उसके बाद बेटे रिएक्शन विद फ्लोरीन डायरेक्ट. व्हाई डायरेक्ट फ्लोरीनेशन कांट बी डन? आगे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई डायरेक्ट फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन्स कांट बी डन. तो आपका आंसर होना चाहिए फ्लोरीन. व्हेन द फ्लोरीन मॉलिक्यूल ब्रेक द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक. The reaction is highly exothermic as fluorine has low bond dissociation enthalpy. Fluorine has low bond dissociation enthalpy, so direct fluorination can't occur. So what we do? Schwartz reaction. Yesterday we have done Schwartz reaction. कि हम inorganic fluoride के साथ react करेंगे तो हमारे पास फ्लोरीन मिल जाती है, एल्काइल फ्लोराइड. व्हाट इट? अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन बेटे, जो एल्केन जाते हैं वो है ऑक्सीडेशन. वो तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ऑक्सीडेशन. कोई भी एल्केन हो, कोई भी एल्केन हो बेटे, एल्केन किस में है? पेट्रोल में, एलपीजी में, कैरोसिन में. घर पे एलपीजी है, उनमें एल्केन ही है. ठीक है, तो आपको यू आर वेरी वेल अवेयर अगर एल्केन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं घर पे, तो हमें क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट. ठीक है, वाटर एज ए वाटर वेपर वेपोरेट कर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी वेपोरेट कर जाती है, और हमें क्या मिलती है? हीट एंड लाइट. दिस जनरल रिएक्शन वी आर सीइंग एवरीवेयर. कोई भी एल्केन ले लो, किसी फॉर्म में भी. नेचुरल गैस की एक रिएक्शन करते थे आप क्लास 10th, CH4 plus oxygen give you carbon dioxide and water and heat. और example करते थे exothermic reaction में, combination के अंडर आती थी.
ठीक है, मींस कोई भी एल्केन आप जब ले लेते हो तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस हीट मिलती है, ठीक है। तो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन? दिस इज ऑक्सीडेशन एंड दिस टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन यू आर डूइंग कंबस्शन। CnH2n+2। Have you done these formulas in class 10? Yes, So this is the general formula of any alkane. ठीक है, अब generally हमें कितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है? 3n+1/2। आई विल टेल यू, लिखो पहले, हरी अप। एंड वी विल गेट एन नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एन प्लस वन नंबर ऑफ वाटर गिविंग अस हीट। वेट, डन। अब बेटे मिथेन में, अगर यहां पे मिथेन है तो एन कितने इसमें? वन। कार्बन कितने हैं? वन। जहां पे एन है वहां पे वन वन डालते जाओ, रिएक्शन बनाओ जल्दी, हरी अप। मिथेन की रिएक्शन बनाओ, जहां पे आपको एन नजर आते हैं वहां वहां पे वन वैल्यू फीड करते जाओ, तो क्या आंसर आ रहा है? ठीक है, अच्छा। अब आपके पास इथेन है, यू हैव इथेन, टू कार्बन, नाउ फॉर्म अ रिएक्शन। नाउ यू हैव इथेन, इथेन में एन की वैल्यू क्या होती है? टू, फॉर्म अ रिएक्शन। मतलब यू कैन डू नाउ, नाउ अंडरस्टूड दिस फॉर्मूला। कोई भी एल्केन आ जाए, किसी की भी कंबस्शन रिएक्शन आ जाए, तो यू शुड नो दिस फॉर्मूला एंड राइट द कंबस्शन रिएक्शन, दैट्स इट। ओके, कोई भी एल्केन की कंबस्शन, प्रोपेन कुछ भी, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम वो एन की वैल्यू है। हाँ जी बोलो, कोई बात नहीं, 7/2 भी ठीक है, फ्रैक्शनल में लेते हैं इसमें। तभी कंबशन रिएक्शन ऐसे ही याद करना ऐसे ही करनी है, ऐसे करोगे तभी याद रहेगी, अदरवाइज कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए तो आप तो बैलेंस करते रह जाओगे। ठीक है, अच्छा ये तो की कंप्लीट कंबशन। अब इनकम्प्लीट आई विल नॉट राइट ऑन द बोर्ड। आप बताओ कि अगर ऑक्सीजन कंप्लीटली ना मिले आपके एल्केन को तो क्या होगा? ऑक्सीजन आप कंप्लीटली नहीं देते तो क्या होगा फिर? तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। अच्छा और कम वो दे दो, ये तो मैंने थोड़ी सी कम करी है। अब मैंने ना गैस का जो बर्नर है ना, उसके होल्स और क्लोज कर दिए, चाय गिर गई मेरे से। आदित्य, राइट डाउन आदित्य, पता नहीं प्लस वन ए लिखो है, जोशी। अच्छा यस, चलो ऐसी, अगर गैस के बर्नर्स पूरी तरह क्लोज ना हो, हाफ क्लोज हो गए, तो क्या होगा? हैव यू सीन कि जब बर्नर क्लीन नहीं होते, यूटेंसिल्स के नीचे ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो जाता है। यू हैव सीन दैट, दैट इज कार्बन ब्लैक। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, ना कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, तो आपकी क्या बनना शुरू हो जाती है? कार्बन ब्लैक, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती।
जब ऑक्सीडेशन नहीं होती तो नीचे नीचे कार्बन जमना शुरू हो जाती है, समझ आ रही है? मीन्स जब आप बेटे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करोगे तो यू विल नॉट गेट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुई, या तो आधी होगी जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, या उससे भी आधी होगी तो क्या बन जाएगा, कार्बन। मीन्स कार्बन से हाइड्रोजन अलग तो होगी है मगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिली। मिथेन में कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगी हुई है, वो अलग तो होगी, तो मतलब थोड़ी सी तो वो ऑक्सीडाइज होगी है मगर उससे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनी। तो अगर हम देखें यूटेंसिल्स के नीचे जो कार्बन ब्लैक इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके जो गैस के बर्नर्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं तो कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिलती। जैसे आपने कभी फ्लेम देखी हो, यू आर डूइंग फ्रॉम 8 स्टैंडर्ड फ्लेम की डायग्राम, तो आप क्या देखते हो, ऊपर ब्लू फ्लेम होती है और नीचे कौन सी होती है, येलो, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन कंप्लीट मिलती है एटमोसफियर से तो वो ऑक्सीडाइज फ्लेम होती है, और नीचे क्या होती है, येलो, क्योंकि वो कंप्लीटली कंबस्टन नहीं होती। मैंने भूल था ना कितनी बुक्स है मेरे पास। नाउ कम टू बेटे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। सी द रिएक्शन यू हैव डन इज अ कंबस्शन, यू डोंट नीड एनी कैटलिस्ट। ठीक, यही अगर हम कोई कैटलिस्ट प्रोवाइड कर दें लैब में तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर नहीं बनती। डिपेंडिंग कौन सा कैटलिस्ट दिया है आपने, रिएक्शन कुछ और प्रोडक्ट देती है। तो इसमें आपने बेटे सिर्फ 3 रिएक्शन याद करनी होती है। वन इज फ्रॉम मिथेन, राइट डाउन मिथेन। ऑक्सीडेशन कर रहे हो एंड द कैटलिस्ट यू आर प्रोवाइडिंग इज कॉपर एट 100 एटमोसफियर, राइट डाउन। इससे भी डाक लिख दो चौक या टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली 523 केल्विन। बेटे सी, जिन रिएक्शंस में आपको टेम्परेचर नहीं याद रहे बाय चांस एग्जाम में, तो हीट का सिंबल लगा के आना जरूरी है, ठीक है? तो ये बच्चों को कभी कभी सारे याद नहीं रहते, तो यू विल बी गिवन द मार्क्स मगर आपने बिल्कुल ही। और जिस रिएक्शन का टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, जैसे इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो आप डेल्टा भी लगा सकते हो, क्योंकि इट वेरी फ्रॉम बुक टू बुक। जिसका एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर है वो आपको याद करना ही होता है। गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप कॉपर कैटलिस्ट लेते हो तो यू गेट मीथेनॉल। यू विल गेट मीथेनॉल फॉर मिथेन ओनली, यू विल रिमेम्बर फॉर दिस, ओनली फॉर मिथेन। ठीक, नाउ अगेन टेकिंग मिथेन, नाउ यू आर डूइंग ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ मोलीबेडनम ऑक्साइड एंड यू विल गेट फॉर्मेल्डिहाइड। मोलीबेडनम ऑक्साइड बिलोंग्स टू डी ग्रुप। जितने भी बेटे कैटलिस्ट आप यूज करते हो, ज्यादातर आई एम सेइंग इट बिलोंग्स टू डी ग्रुप। अब अगला नेक्स्ट इज बेटे टर्शरी एल्केन लाइक दिस। मोलिबेडनम ऑक्साइड कहाँ होता है, मोलिबेडनम क्या होता है, एटॉमिक नंबर इसका, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये फर्स्ट सीरीज है, सेकंड सीरीज में ये पड़ा हुआ है।
ठीक है, जिटीरियम जिरकोनियम, टेक्नीशियम, मॉलीबेडनम, ठीक है, दिस बिलोंग टू ग्रुप सेकंड ट्रांजिशन, देन रुथेनियम, देन रुबिडियम, ठीक, ओके, तो इट बिलोंग्स टू ट्रांजिशन सीरीज सेकंड, मॉलीबेडनम ऑक्साइड, ऑक्सीजन तो साथ में लगी हुई है. यू विल लर्न व्हेन डी ब्लॉक, आप प्लस टू में पढ़ोगे ट्रांजिशन जो डी ब्लॉक के हैं. मतलब ये होता है कि एस ब्लॉक में मेटल्स पड़े हैं, पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स आने शुरू हो जाते हैं. ये बीच वाले जो एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज मेटल से नॉन मेटल्स तक ट्रांजिस्ट हो रही है. दैट इज वाई दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. जो एफ ब्लॉक वाले उनको इनर ट्रांजिशन कहते हैं, क्योंकि वो ट्रांजिशन से ही नीचे आते हैं. आफ्टर लैंथेनम या आफ्टर एक्टिनियम वो नीचे आते हैं, मतलब ट्रांजिशन के बीच में से आए हैं. दैट इज वाई दे आर नोन एज इनर ट्रांजिशन. ट्रांजिशन जब प्रॉपर्टी ट्रांजिस्ट करती है फ्रॉम एस टू पी, तो बीच में लाई करते हैं. और एस पी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव. सी बेटे देखो, यहाँ पे मीथेन से क्या मिला? मिथेनॉल. इस रिएक्शन में मीथेन से आपको क्या मिल रहा है? फॉर्मेल्डिहाइड, दैट इज मीथेनल. ये बेटे दो तीन रिएक्शन है जो डायरेक्टली पूछी जाती है एज ए कन्वर्जन. फॉर एग्जाम्पल, राइट डाउन कन्वर्ट मिथेन इंटू मिथेनॉल, और कन्वर्ट मिथेन इंटू मिथेनल और फॉर्मेल्डिहाइड. मिथेनल और फॉर्मेल्डिहाइड, मिथेनल फॉर्मेल्डिहाइड एक ही चीज का नाम है. ठीक, अब ये रिएक्शन जो करने जा रहे हैं बेटे, इट इज ओनली फॉर द टर्शियरी. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? आई राइट हियर. यस, डाइमिथाइल क्यों है? टू मिथाइल प्रोपेन्स नाइल पीसी सारी कर ली है. बट इज अ कॉमन नेम. यू हैव डन द नोमेनक्लेचर, बट इज कॉमन नेम. व्हाट इज अ टर्शियरी? अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे घुमा के लिख दूं आपको, यही है. दिस इज आइसोब्यूटेन. अगर स्ट्रक्चर ऐसे लिख दिया गया तो यू आर नॉट एबल टू आंसर. No, it is present alkaline KMnO4. You will get alcohol. बस आपने यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन करवा देनी है, इस ग्रुप पे ऑक्सीजन ले आना है. एल्केलाइन KMnO4 रिएजेंट. एच नहीं डाना, ओ एच तो है, बीच में वो आ गया. अब ध्यान से याद रखो बेटे, आइसोब्यूटेन से आप अल्कोहल बना सकते हो, ओनली आइसोब्यूटेन, जब टर्शरी कार्बन हो. टर्शरी कार्बन से अल्कोहल बनाने के लिए आपने अल्काई एल्केलाइन KMnO4. जब हम एल्केलाइन KMnO4 की बात करते हैं, मींस हमने KMnO4 एक बेस में डिजोल्व किया हुआ है, दैट इज बेसिक KMnO4. ये आप हमेशा याद रखना बेटे, ऑर्गेनिक में कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हम बारी बारी आपके लिए बोलेंगे.
एल्केलाइन के MnO4, एल्केलाइन K2Cr27, एसिडिक K2Cr2O7, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। आप जब किसी भी रिएक्शन में पोटेशियम पर मैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट पाया जाए तो इसका मतलब उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है और वो बहुत ही अमेजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम ये कहते हैं, समझ आ रही है? जरा एक एक तरफ लिखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक तरफ लिखो रिड्यूसिंग एजेंट, जो बारी बारी रिपीटेडली आएंगे ऑर्गेनिक में। राइट डाउन, हाँ, एक तो लिखो एल्केलाइन KMnO4। KMnO4 का कलर क्या होता है? ठीक है, एल्केलाइन और एसिडिक पोटेशियम पर मैग्नेट और एसिडिक पोटेशियम पर मैग्नेट, सॉरी डाइक्रोमेट। KMnO4 पर मैग्नेट ही है, डाइक्रोमेट K2Cr2O7। जब हमने रिडॉक्स रिएक्शन करी थी, इफ यू रिमेम्बर, आप बहुत बार लिखते थे MnO4 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव, वो यहां से ही आती थी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। पोटेशियम हम हटा देते थे इसका, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट में राइट डाउन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये बारी बारी रिपीट होंगे ना, ठीक है। सोडियम बोरोहाइड्राइड ये रिड्यूसिंग एजेंट है, बड़े बहुत बढ़िया। सोडियम बोरोहाइड्राइड ये 12th तक आपने कंटिन्यू रखने हैं। और कोई भी आप डी ब्लॉक का एलिमेंट ले लो रिड्यूसिंग एजेंट में, जैसे कि निकल, पैलाडियम, प्लैटिनम, ठीक है, साथ में हाइड्रोजन, कुछ भी, निकल, प्लैटिनम या पैलाडियम और साथ में हाइड्रोजन, इन तीनों में से कुछ भी। तो इन जब ये एरोज में ये सब कुछ लिखा होता है, इसका मतलब कहीं रिडक्शन हो रही है, समझ आ रही है? कहीं रिडक्शन हो रही है। और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। HNO3 भी ऑक्सीडाइज्ड, डिहाइड्रेट में वाटर निकाल देता है। 12th में इसके बेसिस पे रिएक्शन करोगे। राइट डाउन, सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ड्रेटिंग एजेंट, नेक्स्ट लिखो HNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करोगे इसमें, इसके अलावा बहुत आएंगे ऑर्गेनिक में, ठीक है, अभी बहुत आने हैं। PCC, PDC, सेरेट, कोलिन, सो मेन। नेक्स्ट इज बेटे आइसोमराइजेशन रिएक्शन, नेक्स्ट इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन। You have butane. Wait. ब्यूटेन का आइसोमर क्या है? आइसोब्यूटेन। तो ब्यूटेन से बेटे आइसोब्यूटेन बनती है। इसका रिएजेंट याद रखना होता है बेटे आपने, एल्युमिनियम क्लोराइड। ये आपको एग्जाम में हम ये नहीं बोलेंगे कि राइट आइसोमराइजेशन रिएक्शन, विल टेल यू राइट डाउन कन्वर्ट ब्यूटेन इनटू आइसोब्यूटेन।
राइट डाउन ये एक्शन क्वेश्चंस कैसे आते हैं. कन्वर्ट ब्यूटेन इनटू आइसोब्यूटेन और टू मिथाइल प्रोपेन. अब सब्जेक्टिव है सारा, टिक नहीं लगाने आपने. बनाओ आप क्या बना, बन बताओ आप. प्रोपेन टू ऑल. नो एमसीक्यूज नाउ, वन भी नहीं है. नो एमसीक्यूज. क्वाइट बेटे, नो एमसीक्यू, बस दैट्स इट, फिनिश. अगर वन मार्क्स के होते हैं तो वन मार्क्स क्वेश्चन नहीं होंगे आपके लिए, कोई ऑप्शंस नहीं होनी अब. सो बेटे ब्यूटेन इनटू आइसोब्यूटेन, तो राइटिंग की हैबिट डालो अपने अंदर, और ऑर्गेनिक में तो बहुत राइटिंग की हैबिट डालो. सेकेंडरी होता है अगर सेकेंडरी पोजीशन पे OH लगाओ, खुद का अकेला कभी सेकेंडरी नहीं होता. फ्री टाइम. सो बेटे ब्यूटेन आइसोब्यूटेन और इट इज नोन एज टू मिथाइल प्रोपेन. राइट डाउन टू मिथाइल प्रोपेन, जैसे मर्जी कन्वर्जन आएगी पेपर में. जीवितेश, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट का मतलब है जैसे कि अगर आपके पास इथेनॉल है तो इसमें से वाटर निकल जाएगा और इथीन बन जाएगा. डिहाइड्रेटिंग का मतलब है जो किसी मॉलिक्यूल में से वाटर निकाल देता है. ओके जीवितेश, एग्जाम्पल वी विल डू इन दिस एल्कीन ओनली. जब आप एल्कोहल से एल्कीन बनाओगे, देन आई विल टेल यू द एग्जाम्पल. नाउ नेक्स्ट राइट डाउन हेक्सेन. दीज टू रिएक्शन आपने याद रखनी है. राइट डाउन हेक्सेन. अभी नहीं, रुक नहीं सकते बेटे, सिलेबस बहुत है, इस बार बहुत स्लो है. हेक्सेन से आपको दो आइसोमर्स बनते हैं बेटे. राइट डाउन टू मिथाइल पेंटेन एंड थ्री मिथाइल पेंटेन. बनाओ अपने आप. टू मिथाइल पेंटेन एंड थ्री मिथाइल पेंटेन, इसको ऐसे ही रिएक्शन को याद करना पड़ता है. राइट द प्रोडक्ट योर सेल्फ. देखो आप बना सकते हो टू मिथाइल पेंटेन प्लस थ्री मिथाइल पेंटेन. हरी अप, दो टू मिथाइल पेंटेन. अगर सिंपल भी नॉमिक्लेचर नहीं होता तो फिर हमने क्या करना है. टू मिथाइल पेंटेन एंड थ्री मिथाइल पेंटेन, ये रटनी पड़ती है. बस इसके बाद एक है बेटे एरोमेटाइजेशन, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज टू मिथाइल पेंटेन. And same, this is 3-methylpentane. और क्या है?